शांति, आज 25 सितंबर 2020 के दिन प्यारे बाप दादा ने फरमाया, मीठे बच्चे अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। मीठे बच्चे अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब मत करो। कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब मत करो। प्रश्न है, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? उत्तर है, इस पढ़ाई में पास होना है। बाबा को हर थोड़े दिन बाद इस पर अटेंशन दिलाना पड़ता है। इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि ये आंखें ही धोखा देती हैं, यही क्रिमिनल बनती है, और शरीर को देखने से ही कर्म इंद्रियों में चंचलता आती है। आंखें पवित्र होनी चाहिए क्योंकि आंखें ही धोखा देती हैं, और आंखें, बाबा ने कहा, क्रिमिनल बन जाती है और शरीर को देखने से कर्म इंद्रियों में चंचलता आती है। इसीलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। किसने कहा ये? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उसको आथत दिया जाता है कि धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तो उनको खुशी में लाने के लिए आथत दिया जाता है। अब वह तो है हद की बातें, ये है बेहद की बात। इनके कितने ढेर बच्चे होंगे, सबको दुख से छुड़ाना है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको भूलना नहीं चाहिए, बाप आए हैं सबकी सदगति करने। सर्व का सदगति दाता है, तो इसका मतलब अभी सब दुर्गति में हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उनमें भी खास भारत आम दुनिया कहा जाता है, क्योंकि खास तुम ही सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बुद्धि में आता है कि बरोबर हम सुख धाम में थे और धर्म वाले शांति धाम में थे, तो बाबा आया था, भारत को सुख धाम बनाया था, तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसे करनी चाहिए। समझाना है कि हर 5000 वर्ष बाद निराकार शिव बाबा आते हैं, तो वह सभी का बाप है, बाकी सब ब्रदर्स हैं, और ब्रदर्स ही तो पुरुषार्थ करते हैं, आत्माएं ही पुरुषार्थ करेंगी ना। फादर से वर्षा लेने का ऐसे तो नहीं कि फादर फादर पुरुषार्थ करते हैं, यानी भगवान सब में है तो सब भगवान यानी फादर्स पुरुषार्थ करते हैं। सब फादर्स हों, सभी आत्माएं परमात्मा हों अगर, तो फिर वर्षा किससे लेंगे? क्या ब्रदर से? अब ये तो हो ना सके। अभी तुम समझते हो कि यह तो बहुत सहज बात है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं, तो ज़रूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो रिपीट होती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, एक ही है, वही बार बार रिपीट हो रही है ना। ढेर सारी अलग अलग तरह की हिस्ट्री ज्योग्राफी होंगी तो क्या किसको रिपीट करेंगे? तो
तो कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, दोनों के बीच में फिर संगम युग भी जरूर होगा। इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो समझते हो कि यह तो बहुत सहज बात है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। पुराने झाड़ में ज़रूर बहुत पत्ते होंगे, नए झाड़ में थोड़े पत्ते होंगे। तो वह है सतो प्रधान दुनिया, इनको तमो प्रधान कहेंगे। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते हैं तो धारणा भी नहीं होती है। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं परंतु तकदीर में ही नहीं है, ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाबा ने कहा जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। कितनी अच्छी बात कही है, हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तीव्र वेगी जोर से पुरुषार्थ करते हैं, जिसने बहुत तेज चलना है वो बहुत जोर से पुरुषार्थ करते हैं। ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं, कैसे भी करके पास होंगे, अच्छे मार्क्स लेवें। यहाँ भी बहुत गैलप करना है, अपने ऊपर कृपा करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे कि अब शरीर छूटे तो इस हालत में क्या पद पाएंगे, तो बाबा झट बताएंगे। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं कि हमसे घड़ी घड़ी यह भूलें होती हैं, विकर्म होता है, रजिस्टर खराब होगा तो रिजल्ट भी ऐसी ही निकलेगी। हर एक अपना रजिस्टर रखे, बाबा ने कहा हर एक अपना रजिस्टर रखे। यूं तो ड्रामा अनुसार सब नोंद हो ही जाती है, खुद भी समझते हैं कि हमारा रजिस्टर तो बहुत खराब है। ना समझ सके तो बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझते हैं, अपनी स्थिति का सबसे पहले खुद को ही पता लगता है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो बाबा बता सकते हैं। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है, इनका तो दुनिया में किसी को पता नहीं है। नाम है गीता पाठशाला, वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे। वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसी की भी पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट है, हम भविष्य में यह करेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, बाबा कहते पाठशाला में स्कूल में एम ऑब्जेक्ट होती है कि भविष्य में यह करेंगे। तो लेकिन वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल मिलता है कि बाबा कहते कमाई भी होती है। कोई कोई तो बहुत कमाई करते हैं परंतु वह कोई अविनाशी कमाई नहीं है, साथ नहीं चलती है। वो भी लोग इकट्ठे होते हैं तो कमाई चलती है ना, कमाई होती है। आजकल जो समय चल रहा है जैसा लॉकडाउन का, तो उसमें तो लोग भी नहीं इकट्ठे हो रहे, कितने कथावाचक कितने ये सब खाली हो गए ना, उपदेशक कथावाचक। ये बाबा की पढ़ाई, क्योंकि बाबा के बच्चे परमानेंट जुड़ते हैं, विवेक और भावना सहित जुड़ते हैं, इसीलिए वो पढ़ाई ऑनलाइन भी चलती रहती है।
बाबा कहते लेकिन वह कोई अविनाशी कमाई नहीं है और कमाई भी यहाँ अविनाशी हो रही है, तो साथ नहीं चलती उनकी कमाई, लेकिन यह सच्ची कमाई साथ चलनी है क्योंकि स्थिति अच्छी बनाई है, देवत्व पद की कमाई है ये, बाकी सब खत्म हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, हम विश्व के मालिक बन सकते हैं, सूर्यवंशी डायनेस्टी है तो ज़रूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे, बहुत ऊंच पद है, तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ कर राज्य पद पाएंगे, इसको कहा जाता है राजयोग, वह होता है बैरिस्टरी योग, डॉक्टरी योग, पढ़ाई और पढ़ाने वाला उसमें याद रहता है, यहाँ भी ये सहज याद है और याद में ही तो मेहनत है, कहने को सहज याद है, सहज योग, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, याद में ही मेहनत है, अपने को देही अभिमानी समझना पड़े, आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हैं कि हम तो शिव बाबा की पूजा करते हैं थे, परंतु क्यों पूजा करते हैं ये नहीं जानते, हम तो शिव बाबा की, शिव भोलेनाथ की पूजा करते थे, बाबा कहते क्यों करते थे यह नहीं जानते, शिव को ही बाबा कहते हैं और किसी को बाबा नहीं कहेंगे, हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, ब्रह्मा की पूजा होती नहीं, ब्रह्मा की पूजा होती नहीं, अजमेर में भले मंदिर है वहाँ के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे, वहीं वहीं के लोकल थोड़े से ब्राह्मण लोग ही पूजा करते होंगे, अच्छा देखने भी जाते हैं तो वो सिर्फ देखते हैं टूरिस्ट की तरह, बाकी गायन आदि कुछ नहीं, कोई मेला लगे गायन हो, कोई उसके वो जो होते हैं जागरण होते हैं, पूरी रात भर कीर्तन चले, ऐसा ब्रह्मा के मंदिर में कुछ नहीं होता है, बहुत साधारण सा है, बाकी गायन आदि कुछ नहीं है, श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का कितना गायन है, ब्रह्मा का नाम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो खुद इस समय सांवरा है, दिखा देते हैं श्री कृष्ण को सांवरा, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा इस समय सांवरा है, फिर बाप आकर इनको एडॉप्ट करते हैं, यह भी बहुत सहज है, तो बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, बुद्धि में यह रहे कि शिव बाबा हमको सुना रहे हैं, वह बाप भी हैं, टीचर और गुरु भी हैं, शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं, अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है, यह भी तुम समझते हो कि आत्मा अविनाशी है, आत्माओं का बाप भी अविनाशी है, तो यह भी दुनिया में कोई नहीं जानते, वह तो सब पुकारते हैं कि बाबा हमको पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर सुनाओ, ये बातें तो हम जानते भी नहीं थे कि ये कहें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर सुनाओ, ये तो बाप खुद ही आकर सुनाते हैं, जब बाबा आ गए तो बाबा को ही पता है उन्होंने क्या करना है, वो टीचर बनकर पढ़ाते भी हैं, तो पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनेंगे, हिस्ट्री रिपीट कैसे होगी, वह भी बताते हैं, 84 का चक्र है, हम पतित क्यों बने हैं, फिर पावन बन कहाँ जाना चाहते हैं, मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे कि मन की शांति कैसे हो, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने, ये कहने में लज्जा आती है, तो अभी बाप ने समझाया है कि तुम सब भक्तनिया हो, मैं हूँ भगवान ब्राइड ग्रूम,
तुम हो ब्राइड्स, तुम सब मुझे याद करते हो। तुम हो ब्राइड्स, तुम सब मुझे याद करते हो। मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूँ, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूँ। मुसाफिर हूँ, ब्यूटीफुल हूँ और सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को मैं बनाता हूँ खूबसूरत, हसीन बना देता हूँ। बाबा ने कहा वर्ल्ड, वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग ही होता है, तो यहाँ सेवन वंडर्स गिनते हैं, वहाँ तो वंडर ऑफ वर्ल्ड एक ही स्वर्ग है। बाप भी एक, स्वर्ग भी एक, बाप भी एक है, स्वर्ग भी एक है, तो जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं, यहाँ तो कुछ भी वंडर है नहीं। तुम बच्चों के अंदर धीरज है कि अब सुख के दिन आ रहे हैं। तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो तभी तो राजाई मिले स्वर्ग की, तो अभी अर्जुन राजाई स्थापन नहीं हुई है। हाँ, प्रजा बनती जाती है। बाबा ने कहा बच्चे आपस में राय करते हैं कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे देवें। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश कराते हैं, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, बाबा कहते ये सब बाकी सबका विनाश करा देते। नेचुरल कैलेमिटीज भी ड्रामा में नूंधी हुई हैं, इस बगैर दुनिया का विनाश हो भी नहीं सकता। लोगों ने भले बहुत बॉम्ब्स और बहुत चीज़ें तैयार की हुई हैं, लेकिन जो कुदरत का तरीका है वो सबसे भयंकर और सबसे बड़ा तरीका है, नेचुरल कैलेमिटीज़। बाबा कहते नेचुरल कैलेमिटीज़ भी ड्रामा में नूंधी हुई है, इस बगैर दुनिया का विनाश हो नहीं सकता। बाप कहते हैं अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नज़दीक है, मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफ़र होना है। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो, पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, ये कायदा है। पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले ही तो आएंगे। सोचो एक हैदराबाद में ही सिंध में कितनी बड़ी क्लास शुरू हुई थी, तो पहले तो मित्र संबंधी बिरादरी वाले ही आए ना, सब के सब दादा लेखराज को पर्सनली जानने वाले इतने सब आए थे। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, पीछे पब्लिक आती है। शुरू में हुआ भी ऐसे, इतनी बड़ी क्लास एक छोटे से शहर में ही शुरू हुई, अब तो नहीं होती ऐसे। बाबा कहते शुरू में हुआ भी ऐसे, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई, फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना जिसको ओम निवास कहते थे, बच्चे आकर वहाँ पढ़ने लगे। यह सब ड्रामा में नूंद थी जो फिर रिपीट होगा, तो इसको कोई बदल थोड़े ही सकता है, इस नूंद को कोई बदल थोड़े ही सकता है। तो यह पढ़ाई कितनी ऊंच है, याद की यात्रा ही मुख्य है, मुख्य आंखें ही बड़ा धोखा देती है। याद की यात्रा में जो विघ्न पड़ा वो क्या है, आंखें क्रिमिनल हो जाती हैं, बड़ा धोखा देती हैं। तो सब तब शरीर की कर्म इंद्रियां भी चंचल होती हैं। कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं, बाबा की तो सारी बच्चियां हैं, कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं खूबसूरत है तो बस उसमें फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत दुनिया में केस होते हैं, तो गुरु की भी क्रिमिनल आई हो जाती, ये तब भी सुनते थे और अभी तो ऐसा रिवाज बहुत ही हो गया है, गुरु की भी क्रिमिनल आई हो जाती। यहाँ बाप कहते
क्रिमिनल आई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र रह सकेंगे। मनुष्यों को क्या पता, वो तो फिर हंसी करेंगे। शास्त्रों में तो ये बातें हैं नहीं। बाप कहते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। पीछे द्वापर से ये शास्त्र आदि बने हैं। अब बाप मुख्य बात कहते हैं कि अल्लाह को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएं। अपने को आत्मा समझो, तुम 84 का चक्र लगाकर आए हो। अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वंडर है ना, ये बहुत वंडरफुल बात है। और ये वंडर कहाँ होता है? इसी वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग में। वंडरफुल वर्ल्ड स्वर्ग की बातें बाप ही आकर समझाते हैं। कोई का 84 का, कोई का 50-60 जन्मों का पार्ट है। सबका पार्ट एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। कोई का पूरे 84 जन्मों का, कोई 50-60 जन्मों का। परमपिता परमात्मा को भी पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, यह नहीं कह सकते, क्योंकि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। यह बातें कोई जानते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, अभी इम्तिहान का समय बहुत नज़दीक है, इसीलिए पुरुषार्थ कर अपना और सबका कल्याण करना है। तो पढ़ना है और पढ़ाना है। कल्याण क्या करना है? पढ़ना है और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरा पॉइंट है, देही अभिमानी बन, अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। देही अभिमानी आत्मभिमानी बन, अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। अपना रजिस्टर रखना है, कोई भी ऐसा विकर्म ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। कोई भी ऐसा विकर्म ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। वरदान है आज, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले। मैं निमित्त हूँ, निमित्त हूँ, जहाँ मैं नहीं महसूस होगा तो फिर माया नहीं आएगी। मैं और अहंकार से माया प्रवेश कर जाती है। तो निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव, जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण करावन हार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ, इसी स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला। निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते, साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। ओम शांति।
मेरा दुलार, नहीं भूलेंगे बाबा तेरा दुलार। मधुबन में जो किया है, मधुबन में जो किया है, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार। नहीं भूलेंगे बाबा।